हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कन्वर्टेटर। आज का टॉपिक है कि हम ब्लॉग में शेयर बटन कैसे लगाएं। व्हाट्सएप पे शेयर हमें कोई ब्लॉग करना होता है तो हम कैसे करें। शेयर बटन लगाना बहुत ज़्यादा इजी है, शेयर बटन लगाने के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हैं। अगर हम किसी ब्लॉग में शेयर बटन लगाते हैं तो उसको वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। अगर हमें किसी को दिवाली की शुभकामनाएं भेजनी है, अगर हमने उसका अपने ब्लॉग में एक शेयर बटन लगा रखा है, वो शेयर बटन पे क्लिक करेगा एंड व्हाट्सएप पे अपने सारे लोगों को शेयर कर देगा, जिससे कि वो विश भी कर देगा और आपका ब्लॉग वायरल हो जाएगा। तो शेयर बटन कैसे लगाते हैं, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आ गए हम अपने फ़ोन स्क्रीन पर। मैंने एक ब्लॉग बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक ब्लॉग बनाया था, ये मेरा ब्लॉग चैनल है kannudigital.blogspot.com। एंड हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं एंड हम इसको क्रोम में जाते हैं। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये देखिए ये मेरा ब्लॉग ओपन हो गया है। हैप्पी दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। एंड जिसको भी ब्लॉग पसंद आता है वो क्या करता है, ब्लॉग पढ़ता है, देखता है ना। एंड उसके बाद क्या सोचता है कि यार मैं अपने फ्रेंड को शेयर करूँ, बट हम अपने ब्लॉग में शेयर बटन नहीं लगाते हैं तो वो लोग शेयर नहीं कर पाते। अब ब्लॉग में शेयर बटन कैसे लगाते हैं, जैसे कि मैंने ये शेयर बटन लगाया, आपको ये दिख रहा होगा। अब कोई भी अगर इस पर क्लिक करेगा तो व्हाट्सअप ओपन हो जाता है एंड व्हाट्सअप में आकर के हम किसी को भी मैसेज शेयर कर सकते हैं। एंड वहाँ पे एक मैसेज लिख कर आता है, जब हम शेयर करते हैं तो एक मैसेज भी लिख के आता है हमारे लिंक के साथ। क्या मैसेज, जो भी हम मैसेज लिखना चाहते हैं कि सी दिस, सी नाउ, या फिर हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं, जो भी हम मैसेज लिखना चाहते हैं वो सब यहाँ पे टाइप होकर आ जाता है। ये सब कैसे आता है, और नीचे देखो लिंक भी आ रहा है, ये लिंक हम कैसे लगाते हैं, है ना। तो ये सब कैसे आएगा, शेयर बटन, ये शेयर बटन है ना। शेयर बटन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है आपको, और ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है एंड यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर क्लिक करना है। एंड ये क्या मांग रहा है कि ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज 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 सेलेक्ट कर दो सारे ब्रिज एंड इसको वेरीफाई करना है। एंड फिर क्या कह रहा है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू। इसको कंटिन्यू करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें 15 सेकेंड का वेट करना है। 15 सेकेंड के बाद नीचे एक लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ वेट, है ना। यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, उस पर गेट अ लिंक होगा लिखा हुआ, उस पर हमें क्लिक करना है और हमें हमारा डिस्क्रिप्शन, हमें हमारा लिंक मिल जाएगा। एंड देखिए ये गेट अ लिंक आ गया है, उस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा व्हाट्सअप लिंक आ गया, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास ये नोटपैड प्लस प्लस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाकर के क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है और हमारी जो फाइल थी व्हाट्सएप एचटीएमएल की, उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। मेरी क्या, मैंने जहाँ डाउनलोड की है मैं वहाँ से उसको ओपन करता हूँ। देखो ये आ गया है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है दिस एचटीएमएल कोड एडिट एंड डिज़ाइन बाई कन्वर्टेटर। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे लिख कर आ रहा है योर SMS हेयर। यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, जो भी हम SMS सेंड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, जैसे कि हैप्पी भैया दूज, ठीक है। मैंने एक ब्लॉग बनाया है हैप्पी भैया दूज का, तो मैं उनको ये मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे नीचे और क्या आ रहा है, योर पोस्ट लिंक हेयर। अब हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग में जाना है और वहाँ से उसका लिंक कॉपी कर लेना है हमारी पोस्ट का। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, देखो मैंने भैया दूज का ये ब्लॉग बनाया है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ब्लॉग बनाया है, देखो इसमें कोई भी शेयर बटन नहीं है, है ना, पूरा देख लो, इसमें कोई भी शेयर बटन नहीं है। अब इसमें हम शेयर बटन लगाते हैं। अब इसका लिंक है, यहाँ से हमें इस लिंक को कॉपी कर लेना है। अब हमें जाना है अपने HTML में, इन जहाँ पे जितने भी जगह में ये लिखा हुआ है योर पोस्ट लिंक हेयर, उसको सिलेक्ट करना है और कट कर देना है और उस जगह पे अपना लिंक पेस्ट करना है। यह हमने लिंक पेस्ट कर दिया एंड अब इसको सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी। अब हमें जाना है दोबारा से अपने ब्लॉग में, अभी भी देखो इसमें कोई भी शेयर बटन नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे हमारा एडिट ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक कंपोज होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक कंपोज होता है और एक HTML। हमें जाना है HTML में। HTML में जाने के बाद सबसे लास्ट में चले जाना है, सबसे ही नीचे। यहाँ पे ये लिख कर आ रहा है, इसमें सबसे लास्ट में उसको पेस्ट कर देना है, ठीक। उसको पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। अब आप इस पर व्यू पे क्लिक कीजिए, ये हमारा पेज ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं लिंक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारी पोस्ट आ गई, सबसे नीचे आते हैं, ये देखो हमारा बटन यहाँ पे शो करने लगा। अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। शेयर ऑन बटन पे क्लिक करते हैं, ओपन हो रहा है। देखते हैं हमारा मैसेज लिख कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हैप्पी भैयादूज हमारा मैसेज भी लिख कर आ रहा है। हम यहाँ पे जो भी मैसेज हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को सभी को सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड आपको अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ में, ब्लॉग में, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।